हाँ तो बताओ सारे लोग कैसे हो, बढ़िया हो ना? चलो बढ़िया हो गए। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले नेवी अग्निवीर के लिए बुक्स के रिगार्डिंग और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि आपके लिए क्या सही रह सकता है मेरे अनुसार, और मैंने क्या क्या मतलब यूज़ किया था क्या मैंने। देखो यार मेरे पास बुक्स नेवी और एयरफोर्स की बहुत सारी हैं, और मैंने करीब एक खास साल पहले वीडियो बनाया भी था कि मेरे पास कितनी कितनी बुक्स हैं, मतलब कितनी सारी बुक्स हैं और नोट्स हैं। उसमें बहुत सारी बुक्स तो ऐसी भी हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और बुक्स बहुत ही बढ़िया थी। ठीक यार, लेकिन थोड़ा सा यार कैमरा के सामने आकर वीडियो में मैं नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इशू आप बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पीपीटी के थ्रू बना रहा हूँ वीडियो। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दूंगा, परेशान मत होना। जो बुक्स यहाँ पर देखो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बुक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे पुराने लोग भी होंगे जो पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, तो आप मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे नए नए लोग इसमें ऐड हुए हैं, और अगर आप पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको इसके बारे में आइडिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नए नए भाइयों बहनों को सजेशन दे सकते हो। ठीक, कि आपके अनुसार ये बुक सही रहेगी, आप इसे मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, और जो भी लोग नए हैं मैं ही बोलूँगा, देखो टाइम बहुत अधिक नहीं बचा है, देखो जो भी करना है ना अभी से कर लो, मतलब यार डिसीजन लो और अच्छे से पढ़ लो। इस बार मौका अच्छा है क्योंकि इस बार ना फॉर्म बहुत ही कम पड़े हैं। ठीक है, और बहुत ही कम फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको लगना है ना तो अभी से लग जाओ यार, तैयारी कर लो, निकल जाओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार 2 महीने 3 महीने में क्या ही हो जाएगा, तो फिर यार कोई बात नहीं है। बाकी मैं इतना बोलूंगा 2-3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आप 100 में से 30 नंबर लाने के लिए मतलब परेशानी हो रही है, अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे SSC वगैरह में आओगे तो वहाँ पर 100 नंबर में से आपको 90 नंबर लाना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है यार, तो हालांकि दोनों में अंतर है, चलो सब बातें हम बाद में करेंगे। देखो सीधे मुद्दे बातें हम, देखो सबसे पहले हम बुक की बात करें मैथ्स की, तो देखो मेरे हिसाब से यार अगर आपके पास अभी देखो टाइम भी नहीं है, और नेवी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है लूसेंट मेरे हिसाब देखो सफिशियंट है। अब देखो यहाँ पर जरा जरा रुको, काफ़ी लोग के यहाँ पर होगा ना कि यार नेवी की मैथ तो अच्छी खासी आती है, इसमें कैसे। देखो यार मैं यही बोलूंगा ना कि अभी पहली बात तो आपके पास टाइम भी बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, दूसरी बात जो लूसेंट बुक है ना अभी सभी लोग इसको ढंग से समझ नहीं पाए हैं। RS अग्रवाल बहुत से लोग लगाते हैं, तो देखो यार RS अग्रवाल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और लेवल भी क्वेश्चन का ठीक ठाक है इससे कंपैरिजन में, तो टाइम लग जाएगा आपको और आप इसको इतने अच्छे से अभी कवर कर भी नहीं पाओगे। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही बोलूंगा ना कि आप लूसेंट सिंपल ले लो यार, और अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन इसके साथ साथ आप कोई टीचर भी पकड़ लेना और डेली मैथ प्रैक्टिस करते रहना, ये आपके लिए समझ लो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो आपकी लूसेंट बुक होती है ये आपका बेसिक पूरा क्लियर कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा यार कि आपको लूसेंट बुक टॉपर बना देगी, लेकिन लूसेंट आपका पूरा बेसिक बिल्कुल क्लियर कर देगी यार, अगर आप लूसेंट को 2-3 बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, जो कि पॉसिबल है अभी इतने टाइम में, तो ये आपका बेसिक पूरा क्लियर कर देगी। और आखिर के जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उनको आप मिस मत करना, वो क्वेश्चन वाकई बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लेते हो वो क्वेश्चन भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो समझो कि आपकी यार ना ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई और आप एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हो। यहाँ पर देखो मैं 25/25 नहीं लाने मैथ्स में, ठीक है अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो 25/25 चक्कर पढ़ना मत, 15 नंबर आ जाए इतने बहुत है, और इतना आपको यहाँ से मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो लोग पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यार आपको पता होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपका सोर्सेस क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो बुक मैथ की है तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सही रहेगी, क्योंकि यार लूसेट में क्या है ना जो आपके मेन कीवर्ड होते हैं, जो आपका मेन वर्ड होता है ना वो इंग्लिश में भी लिखा होता है अधिकतर अधिकतर क्वेश्चंस में, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पर कोई भी इशू हिंदी इंग्लिश वाली नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो मैथ्स की मेरे हिसाब से लूसेंट सही रहेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि बुक की आपको नीड नहीं है तो बहुत सारी यार PDF भी अवेलेबल होती हैं, इवन लूसेंट की PDF भी आपको देखना, आप प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ पर आप सर्च करना लूसेंट मैथ एयरफोर्स, तो आपको कोई ना कोई बंदा ना इसका पूरा PDF एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो आपको मिल जाएगा, आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ़ोन के PDF से देखो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप एक बार देख लेना जो आपको सही लगे। ठीक है, हालांकि मेरे पास मैथ की 2-3 बुक्स हैं, 2-3 के मेरे पास और भी बुक्स हैं, लेकिन सबसे ठीक मेरे को यही लगी लूसेंट थी। अगर देखो आगे बात करें हम कि साइंस के लिए कौन सी आपके सही रहेगी, तो देखो आपके साइंस में 3-4 पोर्शन आएगा, पहला आपका देखो फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका देखो केमिस्ट्री हो गया, तीसरा आपका देखो बायोलॉजी हो गया, और चौथा आपका कंप्यूटर साइंस भी हो गया। करीब 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही बन जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्वेश्चन क्या होते हैं ना बेसिक होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा है पहले से तो आप इसको कर सकते हो, बाकी इस पर आप बहुत फोकस मत करना। हाँ ये बात अलग है, आप 100-150 क्वेश्चन चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बाकी इसको छोड़ो। देखो फिजिक्स के लिए मेरे हिसाब से यार ये भी लूसेंट ही सही है,
लेकिन देखो लूसेंट में एक दिक्कत ये है ना कि लूसेंट को आप खुद से नहीं समझ पाओगे। अगर आप देखो अभी आपके पास दो दो 3 महीने का समय, 2 ढाई महीने का समय, ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि यार हाँ मतलब कि हम लूसेंट खुद से पढ़ के यहाँ पर अच्छे स्कोर कर लेंगे, तो यार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी और थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप अभी के लिए देख रहे हो कि आपको जो ये वाला इंटेक है आपको इसे क्वालिफाई करना है, आपको इसके हिसाब से बुक परचेस करनी है, तो हिंदी मीडियम वाले करतार वाली बुक परचेस कर सकते हो। करतार वाली बुक में क्या है ना, ये करतार एक्चुअल में एक कोचिंग होती है, लेकिन इनकी बुक काफ़ी चलती है एयरफोर्स के फील्ड में, खासकर फिजिक्स की। देखो इसमें क्या होता है ना यार कि इसमें आपकी थ्योरी बहुत दे रखी है और यूनिट वाइज दे रखा है सभी टॉपिक को, और उसके बाद करीब 200-250 क्वेश्चन एक यूनिट का दे रखा होता है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं नेवी, असल में वैसे ही बनते हैं, मतलब नेवी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अभी देख रहे हो इस वाले इंटेक के हिसाब से आपके लिए बुक कौन सही रहेगी, तो हिंदी के लिए मेरे हिसाब से आप करतार ही सही रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अभी नेवी देना है अगला, फिर आपको एयरफोर्स भी देना है, तो लूसेंट सही रहेगा। लेकिन देखो लूसेंट यार आप तभी समझ पाओगे ना जब आप पूरा सिलेबस को ढंग से एक बार टीचर के साथ पढ़ लोगे। कोई टीचर आपको अच्छे से आपको पूरा सिलेबस पढ़ा देगा, उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपकी समझ में भी आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें बहुत ही कम शब्दों में ना जो चाहिए आपको वो लूसेंट में दे रखा है, लूसेंट में। लेकिन करतार वाली बुक क्या है, इसमें आपकी थ्योरी बहुत दे रखा है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि 2-3 महीने का समय, आप खुद से पढ़ लेते हैं अच्छे से, और तो आपके लिए करतार सही रह सकती है। बाकी इंग्लिश के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको देख सकते हो। बाकी देखो इंग्लिश के लिए ऐसे कोई यार स्पेशल बुक नहीं आती है जिसमें ऐसे दे रखो, मतलब थ्योरी टाइप मैं आपको बता सकूँ। इंग्लिश के लिए बस एक ही बुक सब सही रहती है, वो देखो अरिहंत की आती है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपका फिजिक्स हो। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी, देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं आपसे बोलूंगा ना कि इसके लिए बहुत परेशान मत होना। एक देखो आपका यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, ठीक है, आप उस चैनल पे जाओ और सर्च करना केमिस्ट्री प्लेलिस्ट और बायोलॉजी प्लेलिस्ट, जितना उस बंदे ने यार करा रखा है आप उतना कर लेना, विश्वास करो 2-4 क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे। और अगर आपके 2-4 क्वेश्चन वहां से हो गए ना, तो यार आप इजिली बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, मतलब साइंस में, ठीक है। और आपके साथ देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो केवल आप फिजिक्स की बुक आप मतलब अगर आपको परचेस करना है तो आप करतार या लूसेंट जो आपको सही लगे आप जाना, दोनों देख लेना, उसके बाद आप एक परचेस कर लेना। और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपका करना कि इस यूट्यूब चैनल से क्रेजी जीके ट्रिक से आप जाके प्लेलिस्ट बनी है, और वीडियो देखो बहुत ही लंबे नहीं है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देख सकते हो, आप उसे कंप्लीट कर लेना बस केवल, ठीक है, आराम से आप लेट कर देखना, आपका हो जाएगा चीज़ें कंप्लीट। और अगर देखो आगे हम बात करें आपका इंग्लिश के लिए, तो देखो इंग्लिश के लिए एक नीतू मैडम की बुक आती है वॉल्यूम यन, जो कि केडी कैंपस या पैरामाउंट की है, ये बुक बहुत ही फेमस है। और इवन जो भी आपके बड़े बड़े एग्जाम्स भी, लाइक आपका CGL हो गया, ऐसे एग्जाम्स भी हो गए, वहाँ पर भी टॉपर्स भी इसी बुक से पढ़ते हैं। ये मैं समझा कि इस बुक बहुत ही हाई लेवल की है, बुक में देखो बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही मतलब ढंग की देखो चीज़ें दे रखी है, तो ये आपके लिए सही पड़ेगी। एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्जाम, मेरे हिसाब से आपको यही बुक लेना चाहिए, ठीक है। और इस बुक को आप इजिली 2 महीने में कंप्लीट भी कर सकते हो, आराम से इसे पढ़ सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसके साथ मत जाना, प्रैक्टिस के लिए थोड़े जो क्वेश्चन ना थोड़े से हाई लेवल हो जाएंगे, मतलब आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेंगे। जो इसमें मेन थ्योरी है, जो आपके रूल्स वगैरह है, वो बहुत ही बढ़िया है और ये आपके लिए है। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम के लिए देखो एक जनरल कॉम्पिटिशन करके आती है आर्यन पब्लिकेशन की, आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी देखो ये बुक भी हाई लेवल की, ये बुक भी हाई लेवल की है, ठीक है। बाकी यार देखो इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाई लेवल लो लेवल, इंग्लिश देखो आपके रूल्स रूल्स होते हैं, अगर आप जितने अच्छे से पढ़ लोगे आपकी पकड़ देखो उतनी अच्छी बन जाएगी। अब देखो एक वीडियो मैं कल बना दूंगा कल तक में कि आपको इनमें पकड़ बनाने के से इतने कम टाइम में, विश्वास करो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा, ठीक है यार। तो इंग्लिश के आप इन बुक्स को देख सकते हो अगर आपको मतलब लेना है तो। बाकी मैं तो कहूँगा यार इंग्लिश के आप कोई बुक वगैरह मत लो, सिंपली कोई टीचर पकड़ो, क्रैश कोर्स वगैरह यूट्यूब पर देखो फ्री में अवेलेबल हो, तो आप उसे कंप्लीट कर डालो, आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे देखो 4 क्वेश्चन आपके नरेशन वाइज हो गए, 5 आपके देखो पैसेज हो गए, तो देखो 9 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए, ठीक है यार। और आपके 7-8 एरर आते हैं जिसमें से आपका एडजेक्टिव हो गया, टेंस हो गया, तो मतलब देखो चीज़ें आसान। नेवी का पेपर देखो इंग्लिश सबसे आसान आता है, तो इंग्लिश में आप देखो अच्छे स्कोर कर सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो। अगर देखो हम बात करें जीके रीजनिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो यार मैं इसके लिए स्पेशली आप कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जीके रीजनिंग के लिए स्पेशली नेवी के लिए अलग से कोई बुक नहीं आती है, ठीक है। जीके रीजनिंग क्या होता है यार कि मतलब बहुत ही डीप में आपसे नहीं पूछता है जीके रीजनिंग, आप देखो चीज़ें मतलब देखो मतलब हल्की, अगर हम कंपेयर करें आपका SSC से या अदर जो एग्जाम होते हैं वहाँ से कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर देखो आपकी जीके रीजनिंग बहुत ही हल्की आती है। रीजनिंग में तो खासकर आपको देखो 2 क्वेश्चन फिगर वाले आएंगे, एक क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग, एक क्वेश्चन आपका देखो आपका ब्लड रिलेशन, और आपका 1-2 क्वेश्चन ऐसे और आ जाता है, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन देखो आपके रीजनिंग के आते हैं 25 में से। तो इतने लिए आप कंप्लीट सिलेबस मत पढ़ना,
अब देखो जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान सुनना। देखो जीके के लिए क्या करना, आप खासकर आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और स्टैट्यू हो गया। जीके में देखो आपको केवल 5 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और स्टैटिक। स्टैटिक देखो आपका वेट ज़्यादा रहता है, तो स्टैटिक के लिए अगर आपके पास कोई भी बुक पहले से जीके की है तो ध्यान देना उसमें उसमें होगा। अगर नहीं है तो आप कोई बुक उठा लो मार्केट से। एक देखो 25 रुपए की आती है अरिहंत की बुक, ठीक है, 20-25 रुपए की आती है अरिहंत की बुक। मैं उसकी जो फोटो है वो टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, तो आप देख लेना। अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। 20-25 रुपए की आती है बस केवल अरिहंत की। लेकिन देखो बुक हिंदी मीडियम में है, वो बुक यार विश्वास करना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। उसमें कंटेंट आपका दे रखा है लिमिटेड, लेकिन जितना भी दे रखा है बुक पतली छोटी सी आती है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लोगे ना तो नेवी छोड़ो यार, आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का जीके भी बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो प्रयास करो कि अगर आप उस बुक को पढ़ पाओ तो आप उस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो फिर से आपसे मैं वही बोलूंगा, आपका एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, आप सिर्फ यार इस बंदे की वीडियोस जाकर देख लेना, ठीक है। ये वीडियो मतलब यार वैसे रहती है, मतलब थोड़ा एनिमेशन टाइप में रहती है, तो इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जाकर आप इस बंदे के वीडियोस देख लेना, आपका यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ऐसे ही रेडी हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारना ही नहीं पड़ेगा। 2-3 बार आप सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेना, आपका जो जीके ना वो रेडी हो जाएगा। बाकी रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग देखो आप लोग टेक्निकल मैथ पढ़ते हो यानी 12th वाली मैथ पढ़ते हो, तो रीजनिंग क्वेश्चन यार आप लोग ऐसे ही कर लोगे बिना पढ़े ही, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपका ब्लड रिएक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज आप क्वेश्चन आते हैं। और फिगर वाला देखो क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ता है, तो वो तो आपको खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा जीके के लिए बुक की बात करें, मैंने आप बोल दिया कि 20-25 रुपए की बुक आपकी एक आती है अरिहंत की, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको वो नहीं सही लगती है तो यूट्यूब चैनल आपका क्रेजी जीके ट्रिक है, ये आपको देखो इजीली सब कुछ रेडी करवा देंगे। मतलब देखो पुरानी वीडियोस है, 3-4 साल पहले की वीडियोज हैं, लेकिन सफिशियंट है, रिलेवेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको देख सकते हो। अगर देखो बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट देखो यार मेरे हिसाब से आप परीक्षा पे लगा सकते हो, और ये कोड है मेरा RN50, आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सभी के लिए यहाँ पर देखो अवेलेबल है। आपको सिर्फ नेवी के लिए लेना है तो आप ये केवल इकलौता पास ले सकते हो, और ये आपको बहुत ही मतलब यार महंगा नहीं पड़ता आई थिंक। और ये देखो अगर आपको सभी एग्जाम्स के लेना, लाइक आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, GD वगैरह हो गया, सभी एग्जाम के लिए आपको एक साथ लेना है ना, तो आप ये ले सकते हो परीक्षा का प्रो, ठीक है यार। यहाँ पर आप ये कोड यूज करोगे RN50 तो आपको 40% डिस्काउंट मेरे कोड की वजह से मिल जाएगा। और यहाँ पर यार देखो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं आता है, बस अंतर ये रहेगा कि आपको यहाँ पर जितने भी एग्जाम है सभी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और ये आप यूज करोगे तो आपको सिर्फ नेवी का मिलेगा, MR और SSR का, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखो यार हो गया आपका मॉक टेस्ट रिगार्डिंग और आपका बुक के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आई होप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर।